यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी कि लिंग एक सामाजिक संरचना। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को समझेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली सीटेट में तो निश्चित ही रहते हैं कुछ क्वेश्चंस, एक से दो क्वेश्चंस तो मिनिमम। इसके अलावा सभी जगह या सभी टीचिंग एग्जाम्स में, इवन इंटरव्यूज में भी आप इस टॉपिक को लेकर के सेंसिटिव हों, ये जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको अच्छे से समझेंगे और फिर इसके बाद एक और सेशन रहेगा क्वेश्चंस का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। इसके अलावा सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और एक बेहतर तरीके से एक पॉजिटिव दिन आपका रहा होगा। और बहुत बढ़िया, नोटिफिकेशन का कोई इशू नहीं है, ये बताइए ठीक से चल रहा है लाइव। तो फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, धन्यवाद, बिल्कुल राधे राधे, स्टार्ट करें। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। मैं आजकल थोड़ी सी लेट लतीफ चल रहा है सेशन, बट मंडे से होपफुली सारी चीज़ें एकदम टाइम से आ जाएंगी, डेली इंग्लिश डोज वगैरह सब कुछ। कुछ कुछ मीटिंग्स चल रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं, थोड़ी सी तबीयत भी ढीली चल रही है, तो काम थोड़ा सा कम चल रहा है, बट मंडे से तरीके से चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब थोड़ा स्लो चले, तेज चले, बट चलना चाहिए। लिंग एक सामाजिक संरचना, यानी कि जेंडर। इससे पहले, इस चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि इक्वालिटी क्या है, मतलब समानता क्या है ना। व्हाट इज इक्वालिटी, आप खुद बताएं, अगर चाहें तो एक्सप्लेन करें भाई। इक्वालिटी इज समथिंग कि जब आप किसी भी इंडिविजुअल को या किसी को भी किसी भी डिफरेंस के आधार पर, किसी भी अंतर के आधार पर, किसी भी एक अपॉर्चुनिटी, मतलब कोई भी एक मौका सीखने का, काम करने का, उससे ना रोकें, वंचित ना हो कोई भी व्यक्ति जस्ट बिकॉज ऑफ एनी डिफरेंस, ठीक, तो हम उसको इक्वालिटी कहेंगे, इक्वल कहेंगे, जब हम इक्वल माने, ठीक है, भेदभाव ना करें किसी भी आधार पर, ठीक है। तो ये हुई इक्वालिटी। लेकिन जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में ऑक्सीमोरन जैसा है, या कह सकते हैं कि जो प्री अज्यूम्ड डिफरेंसेस हैं उनके ही बेसिस पर है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नेगेटिव है, बट हाँ, जैसा सोसाइटी में उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, वो बहुत ज्यादातर चीजें नेगेटिव भी हैं, तो समझेंगे इसको। और जेंडर, चलिए सही आवाज, मतलब हाँ, अब दो चीजें हम समझेंगे। बहुत बढ़िया, सीटेट हो जाएगा, टेंशन ना लो। एक है जेंडर, एक वर्ड होगा जेंडर, और दूसरा सेक्स। ये आपने दो शब्द सुने होंगे फॉर श्योर, ठीक है। अभी हमने इसी चीज को समझा कि जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, यहां से आप समझ पा रहे हैं, सामाजिक संरचना है, ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्ट या सामाजिक संरचना, ठीक है, सामाजिक संरचना। इसके अलावा अगर हम सेक्स की बात करें तो ये क्या है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, मतलब जैविक संरचना, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि जैविक संरचना है, ठीक है भाई। मेल और फीमेल लिख लेते हैं, मेल और फीमेल बेसिकली दिखने में या मतलब शारीरिक रूप से अलग दिखते हैं, तो वो जो फिजिकल अपीयरेंस का डिफरेंस है वो बायोलॉजिकल या जैविक है, ठीक है, वो हमारे स्ट्रक्चर ही हमारा अलग है, ठीक, अपीयरेंस से आप बता पाएंगे। तो इस सिचुएशन में ये क्या है, बायोलॉजिकल, जो बायोलॉजिकली एंडोमेंट है, जो आपको मिली है, जिसमें आपने परिवर्तन नहीं किया कुछ, वो तो सेक्स है। हिंदी में दोनों जगह पर लिंग लिखा रहता है पेपर में, और आपको यही ध्यान रखना है कि इंग्लिश वाली साइड एक बार देख लेना झांक करके, कि जेंडर हो तो सोशल कंस्ट्रक्ट, मतलब सामाजिक संरचना। इस बार भी क्वेश्चन आया है और पहले भी कई बार क्वेश्चन आया सीटेट में, तो ठीक, जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज ने बनाया है भाई। हमारे अंदर डिफरेंसेस थे दिखने में या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में या कुछ एबिलिटीज में, बट उसको जो एक
टप्पा दे दिया या टैग दे दिया, वो हमने जेंडर में दिया कि भाई मेल फीमेल सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक संरचना के ये काम सिर्फ मान लीजिए खाना बनाना है तो वो फीमेल ही करेंगी या फीमेल ही बेहतर करेंगी, ये हमने एक टैग लगा दिया, जेंडर के अंदर आएगा। ठीक है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना कि आपकी अगर आप हट्टे कट्टे दिखते हैं या मेल दिखते हैं आप सेक्स के अकॉर्डिंग, तो उस सिचुएशन में आप खाना नहीं बना सकते या अच्छा नहीं बना सकते, है ना। उसी तरह से खैर इस पर आएंगे आगे, जेंडर स्टीरियोटाइप पर। तो ये जेंडर क्या हुआ, सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक संरचना है। लेकिन अगर हम बात करें सेक्स की तो वो एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, मतलब वो जन्म से कह सकते हैं शारीरिक जैविक ही संरचना हमारी उस तरह की है। अब इस पे एक और इसको बेहतर समझने का तरीका है, सिमोन दे बुआ एक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो फिलोसोफर थी, इनकी बुक थी सेकंड सेक्स करके, पता नहीं दिख पा रहा है या नहीं, हाँ दिख पा रहा है, सिमोन दे बुआ ने बेसिकली कहा कि भाई वन इज नॉट बॉर्न अ वुमन बट रेदर बिकम्स अ वुमन, वन इज नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमन, मतलब महिलाएं जन्म नहीं लेती बट बन जाती हैं बाद में। तो ये कहां से बताया है भैया, जन्म तो सेक्स के बेसिस पे ही हुआ है लेकिन समाज के द्वारा ठप्पा लगा दिया जाता है। ठीक है, वो जो रोल्स हैं, जेंडर रोल्स सो कॉल्ड, जिनको हम कहते हैं कि भाई ये काम सिर्फ महिलाएं करेंगी, ये काम सिर्फ पुरुष करेंगे। ठीक है, अब यहां से आ जाती है कहानी जेंडर रोल्स की। सेक्स का बस इतना ही रोल था कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं हमारे अंदर। जी बिल्कुल, यहां से क्लियर है भाई। नरेश कुमार जी आपको सिलेबस भेजना है रीट का तो himanshi.edu10@gmail.com ईमेल एड्रेस है, यहां आप भेज दीजिए, पूरी कोशिश रहेगी इसको चेकआउट करने की। ठीक है, खैर अब आ जाते हैं जेंडर रोल्स पर। जेंडर रोल्स क्या होंगे फिर भाई, अभी जैसा हमने कोर्ट से समझा कि बाद में बना देता है समाज, वुमेन की अगर बात करें स्पेशली, तो जेंडर रोल्स में क्या है, आपके बचपन से ही जेंडर रोल टाइपिंग होने लगती है। जैसे टाइप करते हैं ना, आप कुछ बनाते हैं टाइप करके, उस तरह से समाज भी या बहुत सारे एजेंट्स हैं जो आपको आपके जेंडर में ढलने के लिए पूरा, जिससे आप बेहतर तरीके से आइडेंटिफाइड हो सकें, उससे जोड़ देते हैं। तो जेंडर रोल टाइपिंग को समझेंगे। धन्यवाद वानी, नाइस नेम, ऐसे तारीफ वापस नहीं रखती हूँ मैं, साथ के साथ कर देती हूँ। तो हाँ, जेंडर रोल टाइपिंग, जेंडर रोल टाइपिंग क्या है बेसिकली, जब इन्फेंसी से शुरू हो जाती है, ठीक है, इन्फेंसी हो, चाइल्डहुड हो, इसमें अर्ली और लेटर दोनों आ जाएंगे, एडोलेसेंस हो, और शुरुआती जो साल है बच्चे के वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, मतलब जो शुरुआती साल है बचपन वाला, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो है, चाइल्डहुड पीरियड तक बच्चे पर मतलब एक तरह से कह सकते हैं उसकी पर्सनैलिटी का पूरा एक बेस तैयार हो जाता है, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं शुरू के 5 साल। ठीक, तो ये इन्फेंसी चाइल्डहुड एडोलेसेंस थ्रू आउट हम और हमारा समाज टाइपिंग करता रहता है जेंडर रोल्स। किस तरह से, किसके थ्रू होती है ये, फैमिली, सबसे पहले तो फैमिली में ही जन्म लेगा ना बच्चा, ठीक है, फैमिली, शादी, इसके अलावा अगर मैं बात करूं मीडिया हो सकता है, इवन एजुकेशन या बुक्स, करिकुलम, कुछ भी कहिए आप, ये सब चीजें जो हैं ये एजेंट्स हैं जो जेंडर रोल टाइपिंग करते हैं। ठीक है, कैसे, फैमिली में शुरुआत से ही दिखाया जाएगा कि अच्छा बेटा, मतलब लड़की है तो वो पानी लेके आएगी अगर कोई आया है, या बहुत सॉफ्टली बिहेव करे, है ना, लड़के थोड़े से अग्रेसिव भी चल जाते हैं, बोल दिया जाता है कि हाँ ठीक है ना, ये तो लड़का है, ठीक है, ये तो कर सकता है, अग्रेसिव भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं शुरू हो गई है जेंडर रोल टाइपिंग जन्म से ही। उसके बाद फिर शादी हो गई, अब शादी का एक अलग ही टंटा है सॉरी मतलब शादी का एक अपना अलग ही पूरा एक इंस्टीट्यूशन ही अलग है, जिसमें बहुत ही इतने नॉर्मल तरीके से जेंडर रोल टाइपिंग हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता, आप निभाते जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं है, सभी के साथ है, कुछ कुछ चीजें लड़कों के साथ भी होती हैं। ठीक है, तो मैरिज में कि आप सर्टेन वो सर पे ऐसे पल्लू रखने वाला, या कह सकते हैं उसको शादी होकर सिर्फ फीमेल जो है वही अपना जगह चेंज करे, वही जाकर के अपने पति के घर रहे, सरनेम चेंज करना, दुनिया भर की चीजें, इस पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठाएंगे, कई लोग ऐसे ऑफेंड हो जाएंगे, भावनाएं जागृत हो जाएंगी, लाइक कर देना वीडियो पसंद आ रहा हो तो। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, मीडिया पूरे टाइम ऐसे दिखाता रहता है लड़कियों को बहुत सॉफ्ट रोल में, जैसे उनको तो मतलब
बहुत एक ऐसे वो वेट कर रही होती हैं जीवन भर से कि कोई राजकुमार आएगा वाइट घोड़े पे, बॉलीवुड भी दिखाता है बहुत ज़्यादा, तो ये मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो एड्स हैं आपके, आप देख लीजिए उठा करके, बहुत कम ऐसे एड हैं जो थोड़े से स्टीरियोटाइप ब्रेकिंग है, जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है। अदरवाइज आप एड देखते हैं वॉशिंग पाउडर निर्मा एक फीमेल का पूरा एक वो आ रहा होता है, आजकल सलमान खान को भी ले लेते हैं वो कभी कभी, बट ज़्यादातर ठीक है किचन से रिलेटेड चीज़ों में, है ना। बुक्स में भी इवन जो एजुकेशन वाला सिस्टम है उसमें भी हम दिखाते हैं कि भाई अगर जो घर का काम है वो मम्मी या बहन कर रही है, बाहर से पापा कुछ पत्थर तोड़ने गए हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें। तो ये एजुकेशन भी इसमें रोल प्ले करती है। हमारे टीचर्स के दिमाग में कई बार सबकॉन्शियसली हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं बच्चों में, ठीक है, मतलब ना चाहते हुए और चाहते हुए, क्योंकि सबने ऐसा ही मान लिया कि ऐसे ही होता है, ठीक। तो एक तो बात ये हुई, करेंगे करंट अवेयरनेस। हाँ, गलत और सही बहुत ही सब्जेक्टिव चीजें हैं, तो उनको वो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगी कि कुछ क्वेश्चन मार्क्स हमारे दिमाग में खड़े हों इस चैप्टर से जिन पर हम सोचें, ठीक है, क्योंकि ऐसे 21st सेंचुरी में अगर हम थोड़ा सा चेंज नहीं होंगे तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, बेहतर बेहतरी के लिए चेंज हो जाना चाहिए। अब आ जाते हैं एक बहुत ही अमेजिंग बात पर जिसको कहते हैं हम जेंडर स्टीरियोटाइप। या डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बायसनेस या जेंडर बायस, ठीक है, ये चीजें हाँ बिल्कुल निकलेगा सीटेट, क्यों नहीं निकलेगा। इंग्लिश डोज मंडे से होगी, पहले सुन लो यार, ऐसे भावुक हो जा रहे हैं कई लोग, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, करंट अफेयर डेली डोज सब होगा, चिंता मत करो, यहाँ आ जाओ ये वाले सेशन पे। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है? रूढ़िबद्धता, है ना, इसको लिंग रूढ़िबद्धता कहेंगे। स्टीरियोटाइप या रूढ़िबद्धता से आप समझ पा रहे होंगे जो पहले से चलन चला आ रहा है कि भैया शादी होगी लड़कियां ऐसे पति के घर ही जाएंगी या 50 तरह की और चीजें, वो सब ऐसी की ऐसी रूढ़िबद्धता है, लड़कियां कमजोर होती हैं या पता नहीं क्या क्या। और ये भी एक रूढ़िबद्धता है कि लड़के रो नहीं सकते, है ना, स्टीरियोटाइप है ये भी अपने आप में कि उनको चाहे अंदर से लगी पड़ी हो बट बाहर से ऐसे स्ट्रांग दिखाना है ना, और ये इतनी ज्यादा अंदर से बिल्कुल इंडॉक्ट्रिनेट हो जाता है दिमाग में कि वो चाहे तब भी नहीं रो पाते कई बार, तो ऐसे क्योंकि सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग दिखना है, ठीक है, या फिर सिर्फ लड़का ही घर चलाएगा। अब ये भी उनके सर पे एक अपनी अलग ही जिम्मेदारी है कि भैया अगर लड़की की नौकरी नहीं है तो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट लड़के की नौकरी नहीं है तो ऐसा दिमाग उड़ जाएगा लोगों का, तो ये भी स्टीरियोटाइप है अपने आप में, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, अब बात आ जाती है कि इक्वालिटी सेंसिटिव होना जरूरी है इस चीज के प्रति। ऐसा नहीं है कि अब आप ये कहें कि भैया लड़की पहाड़ पे चढ़ के दिखाएगी आपको तभी वो स्टीरियोटाइप या पाथ ब्रेकर है, ठीक है। तो दोनों ही जो जेंडर हैं उनको एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव होने की जरूरत है और तर्क के साथ शायद काम करने की जरूरत है, थोड़ी सी एक दूसरे की नीड्स को समझने की जरूरत है, है ना। इसमें बहुत ज्यादा होता है सैलरी में, इवन बाहर भी ये चीज अभी कुछ टाइम पहले भी कोई न्यूज थी, मतलब महिलाओं को कम सैलरी दी जा रही है, पुरुषों को ज्यादा दी जा रही है। और आप भी अपने जीवन में बहुत जगह पर ये देखते होंगे और देखा होगा बिल्कुल, अगर आप इसी दुनिया में रहते हैं तो, कि ये बहुत कॉमन चीज है स्टीरियोटाइप। अभी कुछ टाइम पहले कुछ हुआ था, मतलब ऐसे एग्जैक्टली नहीं बता सकती हूँ, बट सामने से उन्होंने कहा कि नहीं मैंने तो इसलिए नहीं कहा या पता नहीं कुछ कुछ इस तरह का कि लड़की है बेचारी या लड़की है कुछ ऐसा। अब मेरा युद्ध होने से बच गया वहां पर, क्यों, क्योंकि अब वहां पे ये था, मैंने कहा सर आप ये बताइए कि, मतलब कोई सर थे, कोई भी एक टीचर थे नॉर्मल, तो मैंने कहा ये बताइए आपके क्या, मतलब आपके जो बाकी टीचर्स हैं या जो भी नॉर्मल लोग हैं, आपको लगता हो आप बहुत तीर मार रहे हैं, आप कौन से पत्थर तोड़ रहे हैं जिसमें आपने ये सोचा कि ये लड़की है तो कम काम कर रही है या कुछ कम आपसे दिमाग लगा रही है। तो ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं बैठ गया है, है ना, कि वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है पुरुषों में, ईगो, मेल ईगो उनकी बर्दाश्त नहीं कर पाती चीजें, है ना। तो हालांकि इंडिया में फिर भी पॉजिटिव रही हैं चीजें, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी कब से लेडी थी आज तक, यूएस की हालत देख लो अब तक भी, खैर इन सब चीजों पे नहीं जाएंगे, बट ये सोचने वाली चीजें हैं जिन पर एज टीचर्स एटलीस्ट हमें सोचना चाहिए, ठीक है। फर्क वहां हो सकता है, एक टाइम पे कह सकते थे कि हालांकि ऐसा नहीं लगता मुझे, तो आज तक किसी चीज में नहीं फील हुआ कि किसी भी कोई भी ऐसे घर के कामों में कभी आदत ही नहीं रही, मतलब उस बचपन से उस तरह से अपब्रिंगिंग ही वैसी है ऐसे सिलेंडर से लेके बाइक से लेके कुछ भी हो सब हो जाता है। तो लेकिन हाँ पुराने टाइम पे ये कह सकते हैं कि भाई उस टाइम पे मेल मसल कह सकते हैं या बहुत ज्यादा ऐसे बॉडी बिल्डिंग की ज्यादा जरूरत रही होगी, ऐसे पत्थर उत्थर तोड़ने होते होंगे या कुछ
इस टाइम पे टेक्नोलॉजी और दिमाग का खेल है ज्यादातर, तो हमें चेंज होते हुए परिदृश्य के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने की जरूरत है और नीड्स के अकॉर्डिंग सेंसिटिव होने की जरूरत है। जो हम बात कर रहे थे उस दिन इक्वालिटी और इक्विटी की, तो इक्वालिटी के साथ इक्विटी की भी हमें जरूरत है। इक्वालिटी थी या कुछ और वर्ड था आई थिंक, एक बार कॉमेंट करके बताना, मैंने एक्सप्लेन किया था संडे वार्ता में। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें जरूरत है कि हम सेंसिटिव बने, जहां जरूरत है ऊपर लाएं दूसरे जेंडर को, बट ऐसा ना हो कि मतलब बिल्कुल अजीब सा ना कर दें हम कुछ, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं, बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी इसमें, कितना भी एक डिबेट का टॉपिक बन सकता है ये। तो ऐसे कई लोगों को लगे मैं किसी भी जेंडर के खिलाफ नहीं हूं और ना किसी के पक्ष में हूं, बट हाँ जो सही है एटलीस्ट उसके बारे में हमें सोचना चाहिए थोड़ा। तो खैर कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो यार, बहुत जगह पे ऐसा होता है, ये तो एक नेचुरल बात है, मतलब इससे आप बच नहीं सकते, ठीक है। अगर कोई कहे कि हम नहीं करते, सो कॉल्ड आज के टाइम पे ये भी हो गया है कि कहते हैं लोग कि मतलब ऐसे, खैर छोड़ो यार बहुत ज्यादा हो जाएगा, कभी और बात करेंगे, मैं घंटों बोल सकती हूँ उस बात पे। अब बायसनेस पे आ जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन भी क्या है, भेदभाव, ठीक है। इन तीनों को साइमल्टेनियसली यूज कर लिया जाता है, इंटरचेंजेबली, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। बेसिकली बात यही है कि अंतर किया जाए, जब इक्वालिटी ना दी जाए तब ये तीन शब्द इस्तेमाल होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। तो बायसनेस, बायस क्या होता है, जेंडर बायस, जो स्टीरियोटाइप है, जो चली आ रही चीज है, उसमें जब आपने एक्शन ले लिया उस चीज को करते हो, किसी भी एक पक्ष में झुके होना, ठीक है। अब अगर आप लड़कों के साथ गलत कर रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ा ना आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, वो भी बायसनेस है, किसी भी एक की तरफ झुकना, स्टीरियोटाइप जो पुरानी चढ़ी हुई चीज है उसके अकॉर्डिंग चल रहा, ठीक। तो ये एक बात हुई, हाँ इक्वालिटी एंड इक्विटी था, तो इक्वालिटी एंड इक्विटी बिल्कुल बिल्कुल। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल कोई इशू नहीं है। एक सेकंड रुको, हाँ इक्वालिटी एंड इक्विटी ही था, मुझे लगा कभी मैं से फ्लो में कई बार पता नहीं लगता आप क्या बोल रहे हो। तो इक्वालिटी एंड इक्विटी की जरूरत है हमें, ठीक है। इक्वालिटी के साथ साथ भाई जहां जरूरत है एक दूसरे को ऊपर लाने की, वहां वो काम किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर महिलाओं को बहुत ज्यादा इतने सालों तक दबा के या बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम हुई है, तो उस चीज को हमें ऊपर लाने की जरूरत है। अब फिर ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं तो अगर 50 किलो वजन उठा रहा हूं तो ये भी उठाएगी। अरे भाई डिफरेंसेस देख करके नीड के प्रति सेंसिटिव रहोगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, बहुत हो गया, इतने में तो बहुत है। कोई बात नहीं, पेपर टू के हिसाब से आप फिर एलिमेंट्री एजुकेशन का फॉर्म भर सकते हैं, पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है आप। धन्यवाद। अब आ जाते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पर, भाई टीचर्स क्या करें, कौन सी भाषा का इस्तेमाल करें, किन चीजों का ध्यान में रखें, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है इसकी, शैक्षिक शिक्षा में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और भी चीज है, कई बार इस चक्कर में जेंडर स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के चक्कर में जो फीमेल है वो अपना जो एक इमोशन वाला पार्ट है उसको कहीं ना कहीं खो देती हैं, जस्ट बिकॉज उनको लगता है कॉम्पीट करना है किसी से, ठीक है। तो इन दोनों चीजों की जरूरत नहीं है हमें, हम जैसे हैं नेचुरली वैसा रहने की जरूरत है हर किसी को, ठीक है। सेंसिटिविटी के साथ संवेदनशीलता ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड है टीचर्स के लिए। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, आप क्लास में भाषा कैसी इस्तेमाल करें, जेंडर न्यूट्रल या जेंडर पैरिटी का इस्तेमाल करें, ठीक है। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज जो किसी एक जेंडर के प्रति झुकी हुई ना हो, जैसे डॉक्टर में आपको पता नहीं लगता फीमेल है मेल है, कैमरा पर्सन यूज कर सकते हैं कैमरा मैन की जगह पर, क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं जहां जरूरी नहीं है कि आप किसी एक जेंडर को स्पेसिफाई करके बोलें बच्चों के सामने, या उनको स्पेशली इस चीज को फील कराएं कि भैया तुम में कुछ अलग है ना। तो ये हुई जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, सेंसिटिव रहें चीजों के नीड के प्रति, इन सब चीजों के प्रति सेंसिटिव रहा जा सकता है और रहना चाहिए, और एक ह्यूमन बींग्स की तरह अगर हम फ्लरिश करने दें एज टीचर्स, जो अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं उनको थोड़ा सा छोड़ के कुछ कुछ ऐसे एक्टिविटीज करा सकते हैं क्लासरूम में जो जेंडर ब्रेकिंग लगे, स्टीरियोटाइप ब्रेकिंग लगे, कि भाई हल्का फुल्का कुछ एक्टिविटीज में ऐसे इन्वॉल्व करा सकते हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज हों। कई बार पेरेंट्स ही जानबूझ करके लड़कियों को उस तरह से बना देते हैं, बिल्कुल छुई हुई जैसे हाथ लगाए और पिघल जाएंगी, है ना। तो वो वाली सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए, दोनों का ही नुकसान है इसमें, दोनों जेंडर का नुकसान है, किसी एक का नहीं है।
चलिए फिर और कोई बात हो तो बताइए, बस इतना ही करेंगे। या लड़कियां हैं तो बहुत अच्छी टीचर ही बन सकती हैं, सिर्फ टीचिंग से बढ़िया कोई फील्ड नहीं है, ये भी कोचिंग सेंटर्स में कहा जाता है बहुत बार एडमिशन के टाइम पे। तो बहुत ही मतलब ऐसे दुखद स्थिति है। ये चीज़ें अगर सुने तो थोड़ा कोशिश करें इनके प्रति बोलने की। प्रोग्रेसिव पेरेंट्स और टीचर्स बन पाए हम, मतलब प्रगतिशील, कुछ नई बेहतर सोच को अपनाते हुए। किताबों में भी इस तरह की चीज़ें दिखाई जाएं जो ब्रेक करें स्टीरियोटाइप को। जैसे हो सकता है जो पापा हैं, पापा मम्मी अगर दोनों दिखाए हुए हैं तो वो साथ में कुछ काम कर रहे हों घर का, या मम्मी हो सकता है बाहर से आ रही हों, पापा घर में कुछ काम कर रहे हों। तो इस तरह की चीज़ें हमें बुक्स में, मतलब करिकुलम में, एजुकेशन में, फैमिली में और जितने भी मीडिया में, इन सब चीज़ों में दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जो सीखते हैं, जो भी बच्चे देखेंगे वही सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल दे सकते हैं बीएड वाले पेपर वन। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे, अभी 10 बजे मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, मंडे से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। जबरदस्त एक्सप्लेनेशन, धन्यवाद। कौन सा कंटेंट पढ़ाना है सरकार बताइए। 1138 लोग ऐसे लाइक करने से क्यों कतराते हैं, मतलब ऐसे सिर्फ रिसीव करना है, ऐसे गिव एंड टेक चलता है दुनिया में, तो वैसे ठीक है, बट कोई बात नहीं, यहाँ आपकी इच्छा है। तो स्टीरियोटाइप, बुरखा, देखो बुरखा के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहूंगी मैं, क्योंकि धर्म है, कोई पर्टिकुलर किसी धर्म पे बोलना अच्छी बात नहीं है। तो वो उनका अपना एक अलग चीज है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ पूरा, मतलब उसको उस तरह से नहीं लिया जा सकता, तो उसके बारे में नहीं बोलना। यार ये टॉपिक ही ऐसा है, अगर आप डिस्कस नहीं करोगे तो आप सच में नहीं पढ़ा रहे हो, अदरवाइज तो आप किताबों से पढ़ लो, लाइंस में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ा सा डिस्कशन चाहिए, टर्म्स तो उतने ही हैं जितने डिस्कस किए हैं। अच्छा एक और टर्म है, जेंडर कॉन्स्टेंसी, मैं भूल गई, याद आ गया। जेंडर कॉन्स्टेंसी एक टर्म है जी, धन्यवाद। जेंडर कॉन्स्टेंसी, और जेंडर कॉन्स्टेंसी क्या है, 3.5 साल या 3 साल के, वैसे ये 2 से 7 साल तक चलने वाली प्रोसेस है, कोलबर्ग ने थ्योरी दी थी इसके ऊपर। तो ये जेंडर कॉन्स्टेंसी मतलब बच्चा 3 साल तक 3.5 साल तक ये समझने लगता है कि भाई जैसे वो अपने कपड़े बदल सकता है, वैसे वो जेंडर चेंज नहीं कर सकता, सेक्स को अपने नहीं बदल सकता। तो जेंडर कॉन्स्टेंट है, मेल और फीमेल होना कॉन्स्टेंट है, चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये है जेंडर कॉन्स्टेंसी, जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं, और इन्हीं चीजों का हमें ध्यान भी रखना है। टॉपिक की हेडिंग को हिंदी में लिखें, लिंग एक सामाजिक संरचना, आप लिख लीजिएगा। आप बीटी से वाले डाल सकते हैं। सुपर टेट यूपी का टीचर्स एग्जाम है, आ गया है सी टेट सर्टिफिकेट, डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा कोई और बात हो तो बताएं। कोई बात नहीं, चिरंजीवी झा लेट आया नोटिफिकेशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ईवीएस के सेशन करेंगे स्टार्ट, 10 तो बज गए, चलिए फिर 15 मिनट में शुरू कर देते हैं, ऐसे आज फास्ट हुई है मेरा, तो ऐसे कभी कभार एक आध फास्ट रखने का, ऐसे पूरे साल में एक तो फास्ट होता है। अब दिमाग मतलब आओ, सर्जिकल चेंज पॉसिबल, माइकल जैक्सन और ये वो, ये नॉर्मल बात है, एक नॉर्मल बात को हम समझ रहे हैं यहाँ पे, है ना। जनरल परसेप्शंस को डिस्कस किया जाता है, विचित्र बातों को नहीं। ठीक है, यूपी टेट में बिल्कुल आएंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, ये सारे जो टॉपिक चल रहे हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यूपी टेट के क्वेश्चन से याद आया डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।